नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी साथियों। भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले साथियों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भारतीय संविधान से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो चाहे नागरिकता से संबंधित हो या मौलिक अधिकार से संबंधित हो या फिर आपका भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व है या फिर इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और उसके लिए साथियों आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये जो डीजी श्रृंखला जो हमने प्रारंभ किया अभी इंडियन पॉलिटी से हम प्रारंभ कर रहे हैं, और पॉलिटी का ये वीडियो श्रृंखला देखने के बाद में साथियों आपको क्या करना है, नोट्स जो हम पीडीएफ के रूप में आपको दे देंगे उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का सबसे पहला जो फायदा है साथियों आपके लिए होने वाला है, वो है पॉलिटी से संबंधित जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका आपको मिल जाएगा नोट्स। और उसमें एक्स्ट्रा आपको क्या मिलेगा जो यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो मिलेगा साथियों आपको एमसीक्यूज, ठीक है? वो एमसीक्यूज आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे, और वहां पर रिवीजन करने के बाद में साथियों भारतीय संविधान से संबंधित आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए साथियों सबसे पहले आज हम जो पढ़ने वाले हैं या जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है साथियों भारतीय राज व्यवस्था यानी भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। इंडियन पॉलिटी साथियों अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तब भी महत्वपूर्ण है, और किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी हमारे लिए भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि साथियों जाने अनजाने में हम चाहे खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं फिर भी साथियों अगर संविधान में हमारे लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान किया है तो उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम आम आदमी जो किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा वो भी प्रभावित जरूर होता है। और उसके लिए कोई योजना अगर सरकार लेके आ रही है तो उसकी वजह से भी क्या है वो प्रभावित होता है, उसको लाभ मिलता है और किसी को हानि भी होती है। तो इसलिए साथियों हमें भारतीय संविधान को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब साथियों चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर संवैधानिक विकास, इसके बारे में जानकारी लेंगे साथियों, जो कि भारतीय संविधान का हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास। अब संवैधानिक विकास के अंतर्गत साथियों हम कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इस पूरी श्रृंखला जो हमारी इंडियन पॉलिटी के रहने वाले हैं इसमें आपको पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले साथियों आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था और इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान किया गया है ये है। और उसके बाद साथियों एक मिनट आप देखिए यहाँ पर, उसके बाद में साथियों 1784 का जो प्रेस इंडिया एक्ट है ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित भी आपको जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में साथियों 1813 का चार्टर एक्ट है और 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, यहाँ तक क्या है साथियों 1853 तक जो चार्टर एक्ट आते हैं उनकी शुरुआत होती है साथियों आपके यहाँ पर 1773 से, ठीक है? और 1773 के बाद में साथियों ये जो आपके चार्टर एक्ट है वो कहाँ तक चलते हैं साथियों, अंतिम जो चार्टर एक्ट आता है वो आता है आपका 1853 का, ठीक है? 1853 का अंतिम क्यों बोल रहा हूँ साथियों, चार्टर एक्ट की श्रृंखला में ये अंतिम है, तो उसके पीछे रीजन है साथियों। यहाँ पर क्या होता है 1853 का ये जो चार्टर एक्ट है इसके बाद भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति होती है जिसको आप इतिहास में 1857 की क्रांति कहते हैं, ठीक है? ये है आपकी 1857 की क्रांति। और इस 1857 की क्रांति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है हमारे संविधान को बनाने में, और संविधान को बनाने के साथ साथ दोस्तों हमारे देश को जो स्वतंत्रता मिली है आजादी मिली है उसके लिए 1857 की जो क्रांति है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है। इसके बारे में साथियों क्योंकि प्रयास सबसे पहला यहीं से प्रारंभ हुआ था 1857 से, तो वह क्या साथियों 1773 से लेकर के आप 1853 तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है या फिर इस तरह के
पढ़ने को मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है साथियों, जैसे आपका यहाँ पर 1857 के महत्वपूर्ण क्रांति होती है, क्रांति होने के बाद में साथियों अंग्रेजों को समझ में आता है कि अब ये जो भारतीय लोग है इनके लिए हमें कुछ न कुछ अलग करके इनको देना होगा, ताकि इनको भी ये लगे कि अंग्रेज सिर्फ हम पर क्या है हमारा शोषण नहीं कर रहे बल्कि हमारे वेलफेयर के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। इसलिए साथियों उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 1857 के बाद ठीक अगले ही साल उन्होंने 1858 के अंदर एक अधिनियम लेके आए जिसका नाम रखा उन्होंने भारत शासन अधिनियम। इसमें उन्होंने क्या किया, सिर्फ एक नाम बदल दिया, यहाँ पर भारत का भारत शब्द जोड़ दिया, यानी भारतीय शासन अधिनियम लगा दिया। तो इसका मतलब है अंग्रेज जो कर रहे हैं वो भारतीयों के लिए ठीक कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्या है भारतीयों को प्रभावित करने के लिए ऐसा यहाँ पर किया। उसके बाद में क्या होता है साथियों, 1857 के बाद में 1861 में आता है उसका नाम भारतीय परिषद अधिनियम होता है। और उसके बाद जो भी आपको मिलेंगे देश आजाद होने तक उनमें भारतीय शब्द यहीं से जुड़ जाता है। कब से, 1857 में जो ये क्रांति हुई थी साथियों यहाँ से, ठीक है। तो अगर साथियों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इनमें से कोई चार टेस्ट देख के, तो आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति से पहले जितने भी अधिनियम आए थे जिनका नाम क्या था, चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, या इस प्रकार के एक्ट थे। उसके बाद जैसे क्रांति होती है, क्रांति के बाद में साथियों अगले ही साल जो आपका 1858 के अंदर होता है उसमें भारतीय संविधान जोड़ दिया जाता है, और यहाँ से लेकर के साथियों जितने भी एक्ट और अधिनियम आए उनमें भारतीय शब्द आप देखेंगे जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसा साथियों 1861 का है, 1852 का साथियों जिसको भारतीय परिषद अधिनियम कहते हैं। लेकिन साथियों एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है यहाँ पर मार्जिन बिल सुधार और माउंटिंग सेंसोर रिपोर्ट, जिसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं साथियों। ये जो आपका मार्जिन बिल सुधार है इसको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है, और आपका ये जो है मोंटेग्यूचेम्स कोड रिपोर्ट ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपका है भारतीय शासन अधिनियम 1919। और उसके बाद हम बात करते हैं साथियों नेहरू रिपोर्ट की, जो कि 1928 है, और भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। और उसके बाद में आता है साथियों आपका कैबिनेट मिशन जो कि 1946, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये साथियों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन साथियों आपको इनमें से भी क्या है सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका सबसे पहले आपका है मार्जिन बिंटो सुधार, जो कि साथियों आपका 1919 वाला जो है ये वाला है, और उसके बाद में साथियों 1919 का है, और 1928 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 1935 का अधिनियम। ये साथियों आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इन चार्टर एक्ट से जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित आपको जो जानकारी यहाँ पर दी जाएगी आगे आने वाले समय में। अभी सिर्फ मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि पॉलिटी के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ने के लिए मिलने वाला है इन क्लासों में। तो जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, तो इससे संबंधित जितने भी प्रावधान अंग्रेजों ने किए थे वो पूरी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपका भारतीय संविधान जिसमें प्रस्तावना एवं विशेषताएं। अब संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे साथियों, प्रस्तावना है इसके बारे में भी हम इसकी विशेषताओं के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। और भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर क्या है भारतीय संविधान की जो विशेषताएं है संविधान की उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके बारे में साथियों आप देखेंगे आपके कि संविधान की विशेषताओं से संबंधित या संविधान में क्या क्या विशेष प्रावधान किए गए थे इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे। और उसके बारे में साथियों आपका जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, यानी साथियों देश में संविधान बनने से पहले या जब अंग्रेज यहाँ पर थे, अंग्रेज रूल कर रहे थे, उस समय क्या है देश अलग अलग रियासतों में बंटा हुआ था, और उस समय भारत में लगभग 552 या 550 तक अलग अलग रियासतें थी, जिनमें से 550 का विलय आराम से हो गया, और उसके बाद में जो दो तीन बची थी वो थी आपके जूनागढ़ है, हैदराबाद है, और आपके यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। इनका विलय भारत में किस माध्यम से किया गया वो जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो साथियों सबसे पहले आप यहाँ पर देखा
कि संगीत क्षेत्र एवं राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया है, यानी राज्यों का पुनर्गठन का मतलब है यहाँ पर साथियों जितने भी रियासतें अलग अलग थी उनका क्या है यहाँ पर पुनर्गठन करके भारत में उनको किस तरीके से मिलाया गया, सिक्किम को भारत में किस तरीके से मिलाया गया, वो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में साथियों आप यहाँ पर देखिए भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे साथियों, नए राज्य किस तरीके से बनाए जा सकते हैं और नए राज्यों की स्थापना करने से संबंधित हमारी जो संसद है उसके पास में क्या क्या पावर है, क्या क्या शक्तियां हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और उसके बाद में साथियों राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो कि साथियों काफी महत्वपूर्ण है आपका 1956 का, ये 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम क्या है जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। उसके बारे में साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जानकर लेते हैं नागरिकता। अब साथियों जैसे ही नागरिकता की बात आई तो वर्तमान समय में आपको पता है लोग भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण है, और अगर साथियों मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर वर्तमान समय में लगभग साथियों आपके 4 लाख लोग ऐसे हैं जो कि क्या है भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। अब ये जो आंकड़ा है 4 लाख का, ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि साथियों जो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमारा दुश्मन है जब से ये अलग हुआ तब से, क्यों है, क्योंकि साथियों वो जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, या फिर भारत में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने में पाकिस्तान ने अपनी जो भूमिका है उसको निभाने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए साथियों अभी सोचने की बात यह है कि ये जो नागरिकता टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत हमारे जो भारतीय लोग हैं जिनके पास में भारत की नागरिकता है, जैसे आप और हम हो, या हो सकता है ये तो YouTube पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो इसलिए हो सकता है कोई पाकिस्तानी भी देख रहा हो उसको भी अगर इस चीज़ पे अपना विचार रखना हो तो आप कॉमेंट करके जरूर रख सकते हो, क्योंकि साथियों जिसका जन्म ही किससे हुआ है, भारत से हुआ है, और उसका कोई अपना इतिहास नहीं है पाकिस्तान का, क्योंकि उसका जन्म तो सिर्फ और सिर्फ देश, जैसे हमारा देश का विभाजन होता है उस समय से उसका जन्म होता है तो उसका कोई इतिहास वगैरह नहीं, उसमें कौन से भगत सिंह को पढ़ाओगे आप, ये तो जो है वही है। तो इसलिए साथियों नागरिकता में सबसे ज्यादा सोचने की बात जो रही है वो ये रही है कि ये जो 4 लाख लोग गए हैं इनमें से जो टॉप 10 कंट्री है जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है आपका USA, नंबर 2 पर आता है कनाडा, ठीक है ये 2 तो रह गए, लेकिन साथियों नंबर जो 10 नंबर है या फिर टॉप 10 कंट्री के अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, यानी हमारे देश से लोग जाकर के पाकिस्तान की नागरिकता हासिल कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों एक टॉपिक ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले नागरिकता का अर्थ समझेंगे साथियों, और नागरिकता का अर्थ क्या है, भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किस देश से लिया गया है, दोहरी नागरिकता क्या होती है, इकेरी नागरिकता क्या होती है, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ साथियों। नागरिकता के प्रकार, अब साथियों नागरिकता कितने प्रकार की हो सकती है और क्या आप भारत की नागरिकता के साथ साथ किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेते हैं, तो नागरिकता किस प्रकार आपके भारत वाले प्रभावित होगी, या फिर एक व्यक्ति के पास में क्या ड्यूल सिटीजन होने का या फिर इस तरीके से दोहरी नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार है, ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद साथियों आप यहाँ पर देखेंगे भारतीय नागरिकता अधिनियम साथियों 1955 का, जो कि साथियों आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये अधिनियम कब आ गया साथियों, 1955 में आ गया। अब साथियों 1955 में क्यों हमें नागरिकता में सुधार लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि साथियों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नागरिकता वाला, इसलिए साथियों इस बारे में हम विस्तार से आगे जानकारी लेने वाले हैं। अब साथियों इसके बाद में आगे जाकर के इसमें और सुधार किया गया और नागरिकता संशोधन अधिनियम साथियों 2015 लाया गया, और 2015 में साथियों क्या क्या परिवर्तन किया गया जो कि 1955 में नहीं था, वो जानकारी देंगे साथियों आपको, और आपको वो भी जानकारी मिल जाएगी कि 2015 वाला 1955 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, या फिर इसमें क्या बदलाव किए गए, वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ साथियों। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाएगा साथियों या जाता है
कब से शुरू किया गया है और 2019 से इसका क्या लेना देना, वो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो साथियों, भारतीय संविधान से संबंधित आपको ये जो स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, ये मैं आपको पूर्ण दावे के साथ में एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ साथियों, अगर आप अच्छे से विश्वास करके इस स्टडी मटेरियल पर, चाहे मुझ पर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस स्टडी मटेरियल पर विश्वास कीजिए। और इस पर विश्वास आपका तब आएगा जब आपके पास में आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि इसमें से टॉपिक हमारे एग्जाम में कौन कौन से महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, वो जानकारी मैं देने वाला हूँ साथियों। मूल अधिकार एवं कर्तव्य, इनसे संबंधित आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले साथियों, मूल अधिकार और कर्तव्यों से संबंधित भी आपको मैं जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। और इसमें साथियों आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, सबसे पहले मूल अधिकार। और साथियों, मूल अधिकार जो है इनका प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, किस भाग में है और मूल अधिकार भारतीय संविधान में जो लिए गए हैं कौन से देश के संविधान से लिए गए, वो जानकारी आपको मिल जाएगी। मूल अधिकारों का जो वर्गीकरण किया गया साथियों, अब मूल अधिकार आपके कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के मूल अधिकार आपके पास में है, कौन सा मूल अधिकार ऐसा है जिसमें संविधान में संशोधन करके आपका छीन लिया गया है, वो आपके पास मूल अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार बना दिया गया है, कौन सा है, वो पूरी जानकारी आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद साथियों, मूल कर्तव्यों से संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं यहाँ पर दे दूंगा, ताकि आपको अपने जो मूल कर्तव्य वगैरह है इसके बारे में भी जानकारी रहे, ठीक है। और अब साथियों आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है साथियों, उन नीति निदेशक तत्वों के बारे में भी थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे कि इनका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है, कौन से जो अनुच्छेद है जिनमें राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अर्थ समझाया गया है, ठीक है। अर्थ और स्वरूप जो कि साथियों राज्य की नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। उसके बाद साथियों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे प्रमुख नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। जो प्रमुख नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिल जाएगी। मौलिक अधिकार में नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है, ठीक है। नंबर एक चीज, ये पूरी जानकारी आपको ये जो नीति निर्देशक तत्व है इसके अंतर्गत मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आगे बढ़ते हैं साथियों, संघ की जो कार्यपालिका है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो। कार्यपालिका एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कार्यपालिका से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि कार्यपालिका के अंतर्गत आपको कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका के प्रकार यानी कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। उसके बारे में साथियों भारत की जो संघीय कार्यपालिका है इसके बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है। राष्ट्रपति एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, इस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति कितने समय के लिए रहता है, एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, वो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और इनके जो चुनाव होते हैं राष्ट्रपति महोदय के, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं वो जानकारी देंगे साथियों। इनको शपथ कौन दिलाता है, इनको पद से किस तरीके से हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में, राष्ट्रपति अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको किस हद तक माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। उसके बारे में जानकारी लेंगे साथियों। उपराष्ट्रपति जो पद है वो भारतीय संविधान में क्यों बनाए गए हैं, इसका क्या महत्व है, इलेक्शन इनका कैसे होता है, वो जानकारी आपको मिल जाएगी पूरी। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित जानकारी लेंगे साथियों। उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो क्यों बनाया गया और इसका क्या महत्व है भारतीय संविधान में, वो देखेंगे। और महान्यायवादी है साथियों, ये भी एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों, इस पर भी हम क्या है चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों आपके केंद्रीय व्यवस्थापिका, ठीक है। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, जो कि साथियों आपके यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे संसद की संरचना।
संसद की संरचना किस प्रकार की है, संसद में सदन कितने हैं और आपके यहाँ पर संसद के अंग कितने हैं, वो पूरी जानकारी लेंगे सर। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर राज्यसभा और उसके बाद में है आपके यहाँ पर लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। उसके बाद में साथियों संसदीय कार्यवाही के जो साधन है उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो ये साथियों जानकारी थी आपके जो कार्यपालिका है उसके बारे में केंद्र की। और अब साथियों बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका। जिस प्रकार साथियों केंद्र की कार्यपालिका थी उसी प्रकार राज्य की भी कार्यपालिका होती है। और राज्य की कार्यपालिका में हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे साथियों, यहाँ पर राज्यपाल को पढ़ेंगे। राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया और भारतीय संविधान में इसका क्या उल्लेख किया गया है, और ये पूरी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी लेंगे साथियों, और मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी। राज्य के महाधिवक्ता, इनको शपथ कौन दिलाता है, राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है और कौन इनको शपथ दिलाता है, वो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो साथियों अगर आप किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस का या फिर आप जैसे मान लो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या राजस्थान, किसी भी राज्य से संबंधित अगर कोई एग्जाम देते हो तो वहाँ पर राज्य की जो व्यवस्थापिका है या कार्यपालिका है इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है यहाँ पर साथियों राज्य की व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में सबसे पहले आप पढ़ेंगे साथियों विधान परिषद को, ठीक है। विधान परिषद के बाद में साथियों विधानसभा की जो संरचना है उसके बारे में जानकारी लेंगे साथियों। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों यहाँ पर संसद और राज्य के जो विधान मंडल है इसकी हम क्या करेंगे साथियों, तुलना करके देखेंगे कि इनमें संतुलन किस प्रकार से बनाया हुआ है। और अगर साथियों जो हमारा संसद है वो कानून बनाता है और राज्य उसको अगर मान्य नहीं करता है या राज्य नहीं मानता है तो ऐसी स्थिति में हमारे संविधान में क्या प्रावधान किए गए वो जानकारी लेंगे। इसके बाद में साथियों बात आती है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि है आपके यहाँ पर न्यायपालिका, ठीक है। तो अब बात करते हैं साथियों न्यायपालिका से संबंधित। न्यायपालिका जो है टॉपिक साथियों अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और न्याय जब से मनुष्य समझ पकड़ी है या समझदार हुआ है और जब से वैसे आदि मानव से ही जब धीरे धीरे क्या हुआ साथियों मनुष्य एक दूसरे पर आक्रमण करने लगा तो उस समय से ही क्या है न्यायपालिका की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ पर हम इसको पढ़ रहे हैं लेकिन वहां पर उस समय न्यायपालिका क्या होती थी, वही जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था वही मोदी बैठी गई ये पैसा इस तरीके से है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार साथियों आज हम इसमें पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय के बारे में जानकारी दी गई है साथियों। और उच्चतम न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, और इनके जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है और ये कितने समय तक या इनकी पदावधि क्या रहती है वो जानकारी देंगे। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अब साथियों किसी भी पद पर अगर कोई भी व्यक्ति बैठता है तो अगर मान लो वो कोई ऐसा कार्य करते हुए पकड़ा गया जो कि संविधान का उल्लंघन कर रहा हो या ऐसा कोई भी उसने निर्णय लिया हो जिससे हमारा जो संविधान है उसकी या फिर देश की एकता और अखंडता को अगर खतरा लगता है तो चाहे वो राष्ट्रपति का पद ही क्यों ना हो उसको भी क्या है पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो उसी प्रकार साथियों अगर जो हमारा संविधान है उसके हिसाब से काम नहीं चल रहा है तो हमारे जो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है इनको भी हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है उसके बारे में जानकारी दी गई। उच्चतम न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में जानकारी दी गई साथियों। यहाँ पर न्यायिक सुधार आयोग से संबंधित और उच्च न्यायालय से संबंधित भी आपको कम्प्लीट जानकारी मिलने वाली है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और उच्च न्यायालय का क्या क्षेत्र अधिकार है, अधिनियम न्यायालय, लोक अदालत और सामाजिक न्याय पीठ, इनके बारे में आपको न्यायपालिका के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने वाला हूँ जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बारे में साथियों संघवाद जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है वो देखेंगे। कभी कभी क्या होता है जैसे नदी जल विवाद है, आज जल की सबसे ज्यादा जरूरत सबको रहती है। कावेरी नदी जल विवाद साथियों देश आजाद होने से पहले का ही चल रहा है, आज भी चल रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा।
इसका कोई समाधान नहीं है। और समाधान है उतना ही है जितना कि अभी देश में शांति बनी हुई है, बस उतना ही, और इसमें ज्यादा कुछ समाधान नहीं हो सकता। जैसे तीस्ता नदी जल विवाद है, या फिर जितने भी जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य भी सातवें नदी जल विवाद को लेकर के कभी कभी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या है, ये जो जब तक मनुष्य का जीवन रहेगा तब तक क्या है, ये जो जल विवाद है, भूमि विवाद है, ये चलते रहने हैं। तो इनको कोई स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन इसमें कुछ हम सुधार कर सकते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता में कोई प्रकार का खतरा ना हो और देश में सुख शांति बनी रहे। तो उसके लिए साथियों यहाँ पर क्या है, सरकारें बनी हुई है, और सरकारें क्या करती है, आपस में एक दूसरे से संधि समझौता करके क्या है, मामले को शांत करती है। तो ये है साथियों आपका केंद्र और राज्य के मध्य संबंध, जिसमें सबसे पहले हम भारतीय संघवाद, संघात्मक लक्षण, एकात्मक लक्षण क्या है, केंद्र राज्य के मध्य संबंध अगर कभी किसी कारणवश खराब हो गए तो उनको मधुर कैसे बनाने, वो जानकारी मिल जाएगी। साथियों केंद्र राज्य से संबंधित जो प्रमुख आयोग बनाए गए हैं उन आयोग से संबंधित जानकारी दी जाएगी, और कुछ महत्वपूर्ण जो समितियां बनाई गई है उसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, कब बनाई गई थी, और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी, और उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब साथियों बात करते हैं, राष्ट्र में अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें आपातकाल का प्रावधान किया गया है और उसका अगर इस्तेमाल करना है तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में और किस तरीके से, वो आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले साथियों संविधान में जो आपात उपबंध है वो कहाँ से लिए गए, वो जानकारी मिल जाएगी, कौन से भाग में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। और मैं आपको इसमें ये जानकारी भी देने वाला हूँ साथियों कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अगर लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे मूल अधिकार कितने प्रभावित होंगे, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इनसे संबंधित कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी साथियों। और जो राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन है इसमें क्या अंतर है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग भारत में सबसे ज्यादा कब किया गया और किस प्रकार से होता है, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। राष्ट्रीय आपात अभी तक भारत में कितनी बार इसका अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया वो जानकारी आपको मिल जाएगी। एक साथियों कभी कभी क्या है, जैसे अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे तो श्रीलंका है या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, इनकी अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा चौपट हो चुकी है, और इस स्थिति में क्या होता है, एक प्रावधान भारतीय संविधान में भी किया गया है, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगा रही हो या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम ही क्या है चौपट हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में साथियों वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने की स्थिति कब पैदा हुई थी और उस समय हमारी सरकार ने किस तरीके से सूझबूझ से एक निर्णय लिया, और उस वजह से क्या है भारत में वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है वो लगाने से क्या है हमारे देश को बचाया। और उसके बाद में साथियों आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। तो ये जानकारी रहेगी साथियों आपका लोक सेवाओं से संबंधित, भारत में लोक सेवाओं का जो इतिहास है क्या रहा है, अधिकरण एवं राजभाषा इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है आपका लोक सेवाओं का इतिहास, देश में लोक सेवाओं का सबसे पहले साथियों कब और कहाँ पर किस तरह से उल्लेख किया गया वो जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। उसके बाद में साथियों सिविल सेवा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो IAS बनने की IPS बनने की, उसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या किया गया है, और सिविल सेवा का जो खुली प्रतियोगी परीक्षा है वो कब से प्रारंभ की गई। अब साथियों संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान है, जैसे मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम में बैठने से पहले आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, वो पूरा सिस्टम है वो संविधान में उसका उल्लेख किया गया है। या फिर कोई भी सेवा जो लोक सेवाओं में आती है कोई भी सर्विस उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित,
जानकारी मिलेगी। राज्य के जो लोकसेवा आयोग होते हैं उनसे संबंधित भी आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रशासनिक सुधार से संबंधित जो प्रमुख समितियां बनाई गई है साथ में, उन समितियों के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। केंद्रीय प्रशासनिक जो अधिकरण है साथियों, इनसे संबंधित जानकारी मिलेगी आपको। राष्ट्रीय हरित जो न्यायाधिकरण है साथियों, इसके बारे में भी भारतीय संविधान में क्या क्या उल्लेख किया गया है वो जानकारी आपको मैं कंप्लीट यहाँ पर देने वाला हूँ इस वीडियो क्लास के माध्यम से। राजभाषा, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं साथियों और जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हो, उसका एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है वो जानकारी आपको मिल जाएगी। और आपकी शास्त्रीय भाषाएं जो होती है इसके बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बारे में साथियों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बात आती है आपकी संघ क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन की जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें साथियों सबसे पहले आप देखेंगे तो ये जो आपके संघ और राज्य क्षेत्र जिसमें संवैधानिक स्थिति क्या है इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे साथियों। और संघीय विधायिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे कि संघ के जो राज्य क्षेत्र है उनकी क्या स्थिति है। ठीक है, उनके बारे में जानकारी लेंगे साथियों। और जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था की गई है, यानी जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन की जो व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है उसके लिए क्या प्रावधान है वो जानकारी लेंगे। और कुछ ऐसे वर्ग जिनके लिए विशेष उपबंध किए गए, यानी विशेष प्रावधान उनके लिए किया गया है। ठीक है, अब क्या है साथियों, जैसे मालूम मैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ बोर्ड पे, अगर मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ तो क्या है, शायद हो सकता है आपको या तो मैं क्लियर नहीं दिखाई देगा या फिर ये जो स्टडी मटेरियल आपको ये नहीं दिखाई देगा, या कैमरा जैसे मान लो मैंने ऑफ कर दिया तो हो सकता है आपको क्या है ये बोर्ड पे जो दिखा है या लिखा है वो आपको नहीं दिख रहा होगा सही तरीके से जैसे ये देख लीजिए। तो ऐसी स्थिति में क्या साथियों, इसको सही तरीके से सेट करने के लिए हमने क्या है लाइट कैमरा सब सेट कर रखा है। उसी प्रकार साथियों क्या है यहाँ पर कुछ ऐसे विशेष वर्ग उनके लिए क्या है विशेष प्रावधान किए गए संविधान के अंतर्गत। क्यों किए गए साथियों, क्योंकि उनको भी क्या है समाज में बराबर उनको पढ़ने का मौका मिले और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, इसलिए साथियों उनको कुछ विशेष प्रावधान संविधान में दिए गए। कौन कौन से ऐसे वर्ग है जिनको साथियों इस तरीके के विशेष प्रावधान दिए गए, तो सबसे पहले साथियों हम यहाँ पर देख लेते हैं वो आपके वर्ग है यहाँ पर एक तो अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए भी हमारे संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए साथियों जो विशेष उपबंध है, आंग्ल भारतीय समुदाय में कौन आते हैं इसके बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी साथियों। और उसके बाद में साथियों जो आपके अल्पसंख्यक है उनके लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है उसके बारे में, और पिछड़े वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए उनके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब साथियों बात आती है यहाँ पर आंग्ल भारतीय समुदाय की, तो आंग्ल भारतीय समुदाय होते कौन से साथियों, ये क्या है ड्रामा, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आंग्ल भारतीय जो है उनके लिए लोकसभा में भी सीटों का प्रावधान किया गया है और कितनी सीट है और कौन मनोनीत करता है और आंग्ल भारतीय लोग किसे कहते हैं, क्या किसी की माता भारतीय हो, पिता बाहर का हो, विदेशी हो, विदेश में भी कहाँ का होना चाहिए, यूरोप का होना चाहिए या फिर किसी भी देश का हो चलेगा, या फिर ऐसा हो कि पिता भारतीय हो और माँ बाहर की हो उसको आंग्ल भारतीय कहेंगे, तो इसका मतलब है साथियों आप जरूर कमेंट करके बताएं आंग्ल भारतीयों के बारे में। बाकी साथियों मैं आपको जैसे जैसे ये हमारे क्लास से आगे बढ़ेगी वहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हम आंग्ल भारतीय कहते किसे हैं और आंग्ल भारतीयों को हम आज विदेश आजाद होने के बाद में भी इनके लिए हमने अगर हमारे संविधान में कोई प्रावधान कर रखा है तो वो क्यों कर रखा है वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पर है आपका स्थानीय स्वशासन। ठीक है, ये जो स्थानीय स्वशासन है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। सबसे पहले साथियों आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है स्थानीय स्वशासन का आशय क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और भारत के अंदर साथियों जो स्थानीय स्वशासन है उसकी पृष्ठभूमि क्या रही है
और पंचायती राज से संबंधित जो विभिन्न समितियां बनी है साथियों, उसके बारे में आपको मैं जानकारी यहां पर देने वाला हूं। संवैधानिक विकास जो है साथियों किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ, इसका क्या फायदा है साथियों, वो जानकारी देखेंगे। हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, आप बात करेंगे ग्राम सभा की। अब साथियों ग्राम सभा एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों टॉपिक है महत्वपूर्ण साथियों, क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर लोग जो है वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। खेती बाड़ी का करने वाला जो भी काम खेती बाड़ी का करते हैं, गाँव में रहते हैं, उनको ग्राम सभा के बारे में पता होता है। लेकिन होता क्या है, गलती कहाँ हो जाती है कि हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछा जाता है आपके, चाहे वो ग्राम पंचायत का जो निधि कोष है उससे संबंधित हो या जो क्षेत्र पंचायत समितियां बनी हुई है उससे संबंधित हो, तो क्वेश्चन क्या है कभी कभी कंफ्यूजन होकर हमारा गलत हो जाता है। इसलिए साथियों आपको यहाँ पर ऐसा स्थिति मटेरियल दिया जाएगा जिसमें आपका चाहे जिला पंचायत परिषद हो या फिर ई पंचायत हो, इनसे संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, नगरीय स्थानीय शासन और नगर पालिका है और इससे संबंधित जो सहकारी समितियाँ बनाई गई है उनसे संबंधित आपको कम्प्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो यानी साथियों मेरा कहने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका भारतीय संविधान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है साथियों। आप मेरे साथ में अच्छे से मेहनत कीजिए और जो स्टडी मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ वो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर साथियों निर्वाचन प्रणाली एवं दलील व्यवस्था, जो चुनाव हम कर रहे हैं या फिर जिस प्रकार हम सरकार को चुनते हैं, ठीक है, देश में शासन चलाने के लिए एक आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के चुनाव होते हैं। आम नागरिक है वो किस प्रकार के चुनावों में भाग लेता है, कौन से चुनाव में नहीं लेता है, वो पूरी जानकारी आपको निर्वाचन प्रणाली। अब चुनाव में सुधार किस प्रकार की जरूरत है, चुनाव आयोग से संबंधित जानकारी देंगे। चुनाव सुधार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जब तक चुनाव सुधार नहीं होगा, और अगर हम वैसे तो सबसे पहले सुधार अपने आप हो जाएंगे, अपन खुद पढ़ो अच्छे से, बच्चों को पढ़ो, अच्छी शिक्षा दो, और जब आप वोट देने के लिए जाते हो तो आपको अगर कोई ठेली पकड़ा रहा है, कोई पवा पा रहा है, उस चक्कर में आकर के आप अपने बच्चों का और देश का भविष्य खत्म मत कीजिए। आप एक ठेली के चक्कर में अपना बहुमूल्य वोट ऐसे डाकू को दे देते हो, ऐसे लुटेरे को दे देते हो, या फिर ऐसे जो हरामखोर आदमी है जो संसद के अंदर बैठने तो क्या, अभी उनको होना चाहिए जेल के अंदर, लेकिन वो बैठे कहां पर, कानून बना रहे हैं संसद में बैठकर, उनके ऊपर इतने बड़े बड़े मुकदमे और इस तरीके के हैं जिनका अगर सही तरीके, वैसे चलो ये चीजें बात की बात है, छोड़ो इन बात को, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको सिर्फ पढ़ाई से संबंधित जानकारी मिलनी चाहिए, बाकी कौन कैसा है उसके बारे में आप सबको पता है। लेकिन साथियों आप अगर किसी को भी वोट दे रहे हो तो आपको उससे पहले पता होना चाहिए। क्या आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हो सकता है किसी का बहन शादी वाली हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो, मेरा बेटी देखा हो जिसकी बेटी शादी वाली हो, क्या आप गांव के सबसे बदमाश या फिर कोई आप ऐसी जगह अपनी बच्ची की शादी करेंगे जो एक चोर हो, लुटेरा हो, डाकू हो, या फिर किसी दूसरी लड़की को परेशान कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति क्या आप अपनी बेटी देना चाहेंगे? आप सोचिए, कोई दारू पी के गली में पड़ा है, उस पर कुत्ते जाकर के टांग उठा के अपना काम कर रहे हैं, अगर इस प्रकार के आदमी को आप क्या अपनी बेटी देना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आपको भी एक पढ़ा लिखा और योग्य अपना दामाद चाहिए, तो अगर आपको योग्य दामाद चाहिए अपनी बेटी के लिए, तो साथियों आपको अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपना इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आपको क्या है, चुनाव सुधार सबसे पहले अपने अंदर करना है, ठीक है। अब चुनाव में क्या होगा साथियों, आप अगर किसी योग्य पुरुष को चुनेंगे तो होगा क्या साथियों, जो कानून बनाया जाएगा वो कानून आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, और वो व्यक्ति है वो आपके लिए और देश के लिए भलाई के लिए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, दलीय व्यवस्था के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। एक समूह और दबाव समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी।
ठीक है। तो ये तो सारी जानकारी वैसे साथियों ऐसा है, जैसे मान लो कभी कभी आपने देखा कि ये चुनाव से संबंधित बातें आती है, तो कुछ भ्रष्टाचार वगैरह ऐसे हो जाते हैं कि जो जब अपने पद पर होता है तो उस समय तो उसको कोई नहीं पूछता है, क्योंकि आपने सबने देखा होगा कि उन्होंने अपना नियम अपने कानून अपने हिसाब से बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार चली जाती है उसके बाद में वो भाईराम कहाँ है, जो मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठे थे सीट पे एकदम राजा बनके कि मैं तो इस देश का प्रधानमंत्री आने वाले समय में बनूंगा, और उस समय मुख्यमंत्री होता है, लेकिन साथियों बाद में क्या है उनका जैसे जैसे पर्दा उठता है तो पता चलता है कि इन भाई साहब के जो कर्म थे वो ठीक नहीं है, तो उस वजह से वो क्या है जेल में जाते हैं और फिर जेल की हवा खाते हैं। तो इसी प्रकार साथियों हमें क्या पहले से ही चुनाव सुधार के लिए सरकार कदम उठाए या ना उठाए, हमें सबसे पहले जागरूक होना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को चुन रहे हैं। इसलिए साथियों ये चुनाव सुधार से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और जानकारी हम लेते हैं यहाँ पर कुछ राज्यों से संबंधित जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। अब साथियों जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो विशेष प्रावधान कुछ वर्गों के लिए किया गया उनके लिए क्यों किया गया, ऐसी एसटी को आरक्षण अगर दिया गया तो क्यों दिया गया साथियों, उसके पीछे आपको समझने की जरूरत है। उसी प्रकार में यहाँ पर आपको वो चीजें भी बताने वाला हूँ कि राज्यों को भी विशेष प्रावधान क्यों दिया गया है, क्यों इन राज्यों को क्या जरूरत रही कि इनको आप विशेष प्रावधान दीजिए। जैसे मान लो यहाँ पर आपका ये है महाराष्ट्र है गुजरात है, क्या ये इतने पिछड़े हुए राज्य हैं कि इनके लिए हमें विशेष पैकेज देने की जरूरत है, क्या परिस्थितियां हैं, वो जानकारी जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। अब गुजरात है, वैसे देखा जाए तो साथियों गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसको हम एक मॉडल स्टेट के रूप में सभी देखते हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए विशेष प्रावधान क्यों किया गया है, क्योंकि साथियों सबसे पहले विशेष राज्य का प्रावधान या फिर उसको विशेष पैकेज देने के लिए चार पांच कंडीशन होती है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि उस राज्य में प्राकृतिक आपदाएं एक साल में कितनी आती है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज महत्वपूर्ण होती है, वो होती है पड़ोसी। अब पड़ोसी कौन है, गुजरात के पड़ोसी तो आपको पता है हमारा वो पड़ोसी है जो कुत्ते की पूंछ को अगर आप कितना भी सीधा करके रखो वो टेढ़ी हो जाती है। उसी प्रकार पाकिस्तान है, इसको चाहे आप इसकी पूंछ को काट के फेंक दो तब भी वो टेढ़ी की टेढ़ी रहनी है। इसलिए साथियों गुजरात के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जेएनके के लिए क्यों प्रावधान किया गया है विशेष राज्य के रूप में, वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और नागालैंड है, इसके लिए क्यों प्रावधान किया गया है, तो ये जानकारी आपको धीरे धीरे पूरी इस तरीके से मैं देने वाला हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में साथियों असम एवं मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान अगर हमारे संविधान में किए गए हैं तो उसके लिए भी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। आंध्र प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान, सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा और उसके बाद में साथियों आपका कर्नाटक और हैदराबाद, यानी इतने राज्यों के लिए अगर विशेष प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में वो क्यों किया गया है उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। सबसे पहले आज तो ये एक ट्रेलर है छोटा सा जिसमें आपको सिर्फ ये जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में हम आपको कौन कौन से टॉपिक और किस तरीके से कवर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं यहाँ पर संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक संस्थाओं के बारे में। यहाँ पर साथियों सबसे पहले जो संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं क्यों बनाई गई है और इनका भारतीय संविधान में क्या उल्लेख मिलता है, कौन से अनुच्छेद में मिलता है और इसका उल्लेख होने के बाद में हमारे लिए ये क्यों फायदेमंद। जैसे मान लो आप यहाँ पर देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका क्या काम है, क्या योगदान है, ये किस पर नियंत्रण करता है, ठीक है, वो जानकारी लेंगे। वित्त आयोग क्यों जरूरी है साथियों इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और आपका है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब साथियों सबसे पहले जैसे मान लो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया, क्यों बनाया गया, इन आयोग की जरूरत क्यों पड़ी हमें, वो पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, अंतर्राज्यीय परिषद। अब साथियों एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जैसे कोई झगड़ा हो गया, किसी चीज को लेकर विवाद हो गया, अब जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, काफी समय से चल रहा है,
तो उसी प्रकार अगर किसी भी दो राज्यों के मध्य, जैसे मान लो साथियों राज्य की बात छोड़ो, अपन अपने ऊपर लेते हैं, घर में सबसे पहले क्या है, अगर दो भाई है तो उनके बीच में कोई छोटी मोटी चीज को लेकर के झगड़ा हो जाता है, जैसे जमीन को लेकर हो गया कोई विवाद, तो उसको विवाद को निपटाने के लिए क्या है साथियों, सबसे पहले परिवार और समाज रिश्तेदार वो आगे आते हैं। उसी प्रकार साथियों अगर किसी भी राज्य के मध्य संबंध खराब हो रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, एक सबसे पहले तो एक परिषद बनाई होती है, वो परिषद क्या है उनको समझाती है कि भाई हमारे संविधान में इस तरीके से उल्लेख किया गया है और आप इस तरीके से इस चीज को हैंडल कीजिए। उसके बाद में भी अगर वो नहीं मानते हैं तब क्या होता है, संसद उस पर कोई कानून बना देती है। तो उसी प्रकार साथियों इन परिषदों का महत्व और वो जानकारी देंगे। अंतरराष्ट्रीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद, ठीक है, यहाँ पर दो टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, जिसमें अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण और आपके अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। जैसे तीस्ता नदी जल विवाद है किन दो देशों के मध्य, जैसे कावेरी नदी जल विवाद हमने माना, तो इस प्रकार से साथियों। और दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सिंधु जल नदी का जो समझौता हुआ है उसमें जल का वितरण किस प्रकार किया गया है, भारत उसका कितना परसेंट पानी यूज करेगा, पाकिस्तान को कितना मिलेगा, और उसमें से अगर भारत ज्यादा रोक लेता है पानी तो उसमें आप ये जो पाकिस्तान है वो चिल्लाते हुए किसके पास जाएगा, कौन सी माँ को जाकर पुकार करेगा वो, जहाँ से क्या है भारत को वो दबाव देगा। जैसे मान लो अंतरराष्ट्रीय कुछ संस्थाएं ऐसी बनी हुई है जिसमें क्या कानून बनाए गए हैं कि अगर कोई भी पानी, जैसे नदी आ रही है, ठीक है, तो नदी आ रही है तो नदी कोई एक देश में पूरी बहती है तब तो क्या होता है, सिर्फ राज्य राज्य के मध्य विवाद हो सकता है किसी वजह को लेकर के, लेकिन एक नदी ऐसी है जो दो तीन देशों को क्रॉस करके जा रही है, ठीक है, तो अब क्या होगा साथियों, अगर कोई एक देश ने उस नदी का जो पानी है अलग अलग नहरें बना करके ज्यादा इस्तेमाल कर लिया तो आगे वाला जो देश है उसमें पानी का जो प्रवाह है कम हो जाएगा, पानी जैसे कम जाएगा तो सिंचाई कम होगी और उसकी जो भी परियोजनाएं वगैरह उन तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंचेगा तो विवाद होगा, और उन्हीं विवादों को निपटने के लिए या फिर उनको सुलझाने के लिए यहाँ पर क्या है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरण बनाए गए। आगे बात करते हैं साथियों योजना आयोग, योजना आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है और भारतीय संविधान में हमने इसको कहां से लिया है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, बाल अधिकरण संरक्षण जो आयोग है इससे संबंधित जानकारी, वेतन आयोग। अब साथियों जैसे मान लो कोई भी कर्मचारी है उसको वेतन मिलता है तो वो वेतन कहाँ से मिलता है, जनता का पैसा होता है या फिर भारत सरकार के पास में कोई अलग से आता होगा, क्या होता है, क्या सिस्टम है। बारिश होती है, ठीक है, जैसे सावन का महीना हुआ तो बूंदे शुरू हो जाती है, ठीक है, और सावन भादवा में आपको पता है किस तरीके से बारिश होती है, तो क्या इस तरीके से कोई अलग से ऐसी कोई संस्था है जो बारिश करती हो भारत में कि ठीक है आप इतने जो कर्मचारी है उनको ये पेंशन देने का या जो उनको सैलरी देने का, तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद में साथियों राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा साथियों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित जानकारी देंगे साथियों। केंद्रीय स्वतंत्रता आयोग ये क्या है इससे संबंधित जानकारी देंगे साथियों। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और उसके बारे में साथियों आपके यहाँ पर भारतीय अल्पसंख्यक आयोग इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी लेंगे। और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग क्यों बनाए गए, भाषा से संबंधित वो भी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में, भारत में कौन सी भाषाएं हैं, या फिर भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य है जिसका गठन किया गया। ओके, आगे बात करते हैं साथियों संविधान में संशोधन। अब साथियों संविधान किसी भी देश का हो उसमें थोड़ी बहुत गलती रह जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है, तो उसी प्रकार साथियों संविधान में हाँ हो सकता है अगर उन्होंने कोई गलती भी नहीं की है लेकिन हो सकता है वो जो संविधान में संशोधन क्यों जरूरी हो जाता है, जैसे उस समय कानून बनाए गए थे तो उस समय मोबाइल नहीं नए होंगे, ठीक है, जिस प्रकार आप आज वीडियो कॉल कर रहे हो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कुछ भी कर रहे हो, उस समय ऐसा सिस्टम तो था नहीं जब देश में संविधान लागू हो रहा था बन रहा था, तो लेकिन उसमें अब आज हमें जरूरत है कि किस प्रकार के आपको
कौन कौन से एक्ट के माध्यम से आप पर नजर रखी जा सकती है, या फिर आप किसी भी, जैसे मान लो आपके पास मोबाइल है, आपका फंडामेंटल राइट है, आप इस्तेमाल इसका कीजिए, लेकिन अगर देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने के लिए आपने क्या किया, किसी आतंकवादी संगठन से अगर संपर्क बना लिया, तो उस संपर्क को तोड़ने के लिए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए क्या है, हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा ताकि आप पर क्या है लगाम लगाई जा सके। तो इस प्रकार से क्या है साथियों, संविधान में संशोधन किए गए और संशोधन जो है संविधान में किस आधार पर कर सकते हैं और संविधान में संशोधन करना कितना आसान है कितना मुश्किल है वो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। क्या संविधान में संशोधन करके आपके जो मूल अधिकार है आपके और हमारे, हम भी उसमें शामिल है, तो मूल अधिकारों को कहां तक सीमित किया जा सकता है या कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको हटाया जा सकता है, वो भी जानकारी मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। ये तो रही संशोधन की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन, उसके बारे में साथ मूल अधिकार और संविधान में संशोधन, यानी इन दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बारे में साथ भारतीय संविधान में जो मूल ढांचा जो है संविधान का, या फिर आपका ये जो संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर क्या संविधान संशोधन किया जा सकता है, वो भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आगे चलते हैं साथियों और जानकारी लेते हैं यहाँ पर संवैधानिक जागरूकता, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। जब तक देश का आम नागरिक जागरूक नहीं होगा तब तक चाहे आप चुनाव सुधार कर लो, चाहे कोई सा भी सुधार कर लो, संविधान में कितने ही संशोधन कर लो, उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए साथियों सबसे ज्यादा है वो देश में अगर 125 करोड़ की जगह अगर 140 करोड़ नागरिक हो गए हैं तो उन सब का जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है साथियों। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे सुशासन, ई गवर्नेंस क्या है, मोबाइल गवर्नेंस क्या है, सूचना का अधिकार आपको दिया गया है तो उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया साथियों इसके बारे में जानकारी लेंगे, संसद बनाम न्यायपालिका, जैसे मान लो संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि न्यायपालिका को लगता है कि ये गलत बना दिया है, लेकिन न्यायपालिका उसमें किस तरीके से हस्तक्षेप करके उस कानून को निरस्त कर सकती है वो जानकारी हम लेंगे। और एक है आपका 356 जो कि राजनीतिक दुरुपयोग इसका किस प्रकार से किया गया है भारत में, उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके बारे में साथियों संविधान की समीक्षा और आपकी न्यायिक सक्रियता क्या होती है, न्यायिक सुधार से संबंधित और मानव अधिकार संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। अनिवार्य मतदान साथियों, क्योंकि मतदान सबसे ज्यादा जरूरी होता है, अगर आप मतदान करते हो और एक जागरूक नागरिक हो तो आप क्या है ऐसे व्यक्ति को चुनेंगे जो कि आपके लिए जो भी कानून बनाया गया वो आपने एक वोट दे के छोड़ दिया, बोला ठीक है अपना तो काम बन गया, लेकिन वो जब जाएगा संसद में और कोई भी संविधान में संशोधन होगा या कोई कानून बनेगा तो उससे आप और आपका परिवार सब प्रभावित होंगे। इसलिए है वो सबसे ज्यादा हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में लोकपाल लोकायुक्त के जो प्रमुख कार्य है इनके बारे में भी मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दे दूंगा। तो ये जानकारी रही साथियों हमारे द्वारा संविधान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो जानकारी मैंने आपको दी है। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टडी मटेरियल का अच्छे से फायदा जरूर उठाएं, और फायदा आप तभी उठा सकते हो जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।